Man, stop crying. Okay. Achha. To aap yahan baithe hain. Kya baat hai? Mood kyun kharab hai? Prakash, maine tumhein nikalte waqt bhi kaha tha ki mujhe car traveling se bahut dar lagta hai. Lekin tumne meri baat nahi mani. Pata hai main pure raste kitni dari hui baithi thi. जानता हूँ मेम साहब, जानता हूँ. मैं तुम्हारा डर निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कार में यहाँ लेकर आया हूँ. मेम साहब, हमारे साथ तुम यूं ही दूर दूर तक सफर करती रहोगी ना, तो तुम्हारा ये डर अपने आप निकल जाएगा. नहीं प्रकाश, मुझे अब भी बहुत डर लग रहा है. मैं कार में ट्रैवल नहीं करना चाहती. अच्छा एक बात है, तुम कार में सफर करने से इतना डरती क्यों? बस डरती हूँ. तो बाबा कोई तो वजह होगी. हाँ वजह है. दरअसल एक बार मेरा बहुत ही सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया था. समझ लो कि मैं मरते मरते बची थी. तब से वो हादसा मेरे दिलो दिमाग में बस गया है और मुझे कार ट्रैवलिंग से बहुत डर लगता है. मैम साहब, आपने मिस्टर प्रकाश कपूर के साथ शादी की है, यानी कि मैं, और मुझे कार में सफर करना बहुत प्यारा लगता है. मुझसे भी ज्यादा. आपसे ज्यादा प्यार तो मैं अपने आप को भी नहीं करता. सच? इतना प्यार करते हो मुझसे? इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ना मैंने तुम्हारे खानदान के बारे में पूछा और ना ही कुछ तुम्हारे अतीत के बारे में पूछा. तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था. ये तो कोई प्यार का सबूत नहीं हुआ. तो कैसा सबूत चाहिए आपको मेरे प्यार का? हम लोग ऐसा करते हैं, हम ट्रेन से चले जाएंगे और बाद में ड्राइवर को भेज के एक गाड़ी मंगा लेंगे. ओह कमाल, इतना एक्सपर्ट ड्राइवर है आपके साथ और आप है कि डरती हैं. हम आपको हिफाजत से घर पहुंचा देंगे. नहीं प्रकाश, मेरा मन नहीं कर रहा है. ओके बाबा ओके, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये कार का सफर हमारा आखिरी होगा. आज के बाद अगर हम कोई सफर करेंगे फ्लाइट पर या फिर ट्रेन में, ओके? वादा? वादा नहीं, तुम्हारी कसम. ठीक है, लेकिन तुम गाड़ी जरा संभाल के चलना. मैम साहब, जब आप हमारे साथ होंगी हम गाड़ी को संभालेंगे या आपको? हाँ नॉटी. वेलकम. अरे जानम, जब हम तुम्हारे साथ बैठे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं. और वैसे अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो क्या, साथ में पी रहे और साथ में बचा. प्रकाश प्लीज, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं. अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन. प्लीज बस करो, मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती. ठीक है जी, अब तो आपको हमारा गाना भी अच्छा नहीं लगता. ओके को मैं देख रहा था. क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा, लगता है
प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम। अब क्या होगा? इस जंगल में कोई गैरेज या मैकेनिक तो मिलेगा नहीं। हाँ, शेर चीते बहुत मिल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हाँ, अरे भाई हम क्या करेंगे? जो करेंगे शेर चीते ही करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि हमें रात इस जंगल में ही गुजारनी। तुम पागल हो गए हो? हम इस जंगल में रात गुजारेंगे? इसके सिवा और हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं, इस घने जंगल में मैकेनिक को ढूंढने का। चले। बहुत लफड़ा है शायद इसमें गाड़ी में। एक सेल्फ मारना चाप, वापस एक मारना। अरे यार, कब बनेगी ये गाड़ी? लगता है बहुत प्रॉब्लम है साहब, बनने में टाइम लग जाएगा। अरे यार, वो तो ठीक है, लेकिन बनानी तो पड़ेगी ना। हाँ, बना देता हूँ ना साहब। यार यहाँ कोई आसपास होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं होगा ना? रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है ना साहब, इधर बाजू में अपना ब्रिगेंजा अंकल का छोटा सा रेस्टोरेंट है, नज़दीक में ही है। I'm sorry. अच्छा सुनो, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चलकर बैठते हैं, किसी मैकेनिक वहीं गाड़ी लेकर आ जाएगा। ठीक है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? चलो। प्रकाश, मुझे तो यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा। कितनी सुनसान जगह पर ये रेस्टोरेंट बना है, कोई भूले भटके यहां आता होगा। लेट्स सी, कम। हेलो हेलो, कोई है यहां पर? कम कम कम। हेलो, एनीवन देयर? प्रकाश देखो, मुझे नहीं लगता यहां पे कोई भी है। अरे यार, इतना बड़ा रेस्टोरेंट किसी ने खोल कर रखा है, कोई ना कोई तो होगा और कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा। तुम्हारी बात भी ठीक है, चलो यहीं वेट करते हैं। या गुड आइडिया। कमाल का रेस्टोरेंट है, ना ही कोई काउंटर पर है और ना ही कोई वेटर नजर आ रहा है। प्रकाश, आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट दिस प्लेस। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात गए हम जंगल में कहां जाएंगे? जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती हमें यहीं रुकना होगा। प्रकाश प्रकाश, लगता है कोई आ रहा है। तुम आने दो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। लीजिए, ये आ गए। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हेलो, अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी बात। अरे अजीब आदमी, ऐसे चला गया जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं। प्रकाश देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहां से चलो ना। ओफो,
सुनो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो यहाँ से। रुको ना यार, दो मिनट। प्रकाश यहाँ से प्लीज चलो, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। ओफो अनीता, तुम तो खमखा घबरा रही हो, इसमें डरने की क्या बात है? देखो ये इस जगह का एटमॉस्फेयर बहुत ही अजीब सा है। वो आदमी यहाँ पे आया और ऐसे गुजर गए, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी उसने। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, घबराओ मत। तुम ठीक कहती थी, यहां सब कुछ अजीब सा है। हेलो हेलो, क्या है इस बच्चा लोग, क्या मांगता, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू? इससे पहले आप ही आए थे? तो भी आता है। अगर आप अभी आ रहे हैं तो पहले जो आए थे वो कौन थे? लुक माई चाइल्ड, पहले भी हम आता, बाद में भी हम आता, हमारे अलावा इधर में कोई नहीं आता। इस होटल का मालिक भी हम, मैनेजर भी हम, वेटर भी हम, कुक भी हम, चौकीदार भी हम। बोलो क्या खाने को मांगता है, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर इस रेस्टोरेंट में सिर्फ आप ही रहते हैं तो वो जो पहले आए थे वो कौन थे? हाँ, वो आदमी वहां आया, उसने ग्रामोफोन चलाया और चला गया। हमने उसे पुकारा भी और उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। नो नो नो, ये आप लोगों का ख्याल होगा। लगता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए ना, कौन था वो आदमी? आर यू टू इन लव? यस। गुड, तब तुम उस कहानी को अच्छी तरह समझ पाएगा। I will tell you. वो आदमी जिसको तुमने देखा वो एक आत्मा थी, भटकती आत्मा। उसे आज भी किसी का इंतजार है। आत्मा, इंतजार, ये सच्चाई है या फिर कोई कहानी सुना रहे हैं? हम जानता था
हम जानता था आप लोगों को हमारी बात का एतबार नहीं आएगा, इसलिए कुछ नहीं बताना चाहता था। नहीं नहीं देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप प्लीज बताइए सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है बच्चा, लोग जिसे आपने देखा वो विनोद की आत्मा थी। विनोद की आत्मा? हाँ बच्चा लोग, विनोद की आत्मा। विनोद अपना गर्लफ्रेंड अनीता को बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। अक्सर उन दोनों का शाम हमारे साथ कटता था इसी रेस्टोरेंट में। बहुत भूख लगी है, कुछ खाते। अच्छा क्या खाओगे? चाइनीज खाते। चाइनीज क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं चाइनीज ही खाएंगे, तुम ऑर्डर करो। ओके।
विनोद, तुम मुझसे प्यार करते हो और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। अब हमारे बीच कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे हम दोनों को साथ मिलकर सॉल्व करनी चाहिए, है ना? मैं क्या करूं अनीता, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। मेरी ख्वाहिश तो तुम हो विनोद, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। क्या मेरे पैसे तुम्हारे पैसे नहीं है? हाँ। तो फिर तुम कहने से झिझकते क्यों हो? आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना। आइंदा इस बात का ध्यान रखना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, आइंदा ध्यान रखूंगा। ओके। अपना फेवरेट म्यूजिक बज रहा है, खाना बाद में खाएंगे, डांस करें पहले। चलो। They were made for each other. वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। विनोद के पास जॉब नहीं था पर वो बहुत एम्बिशियस था। वो चाहता था दुनिया की तमाम दौलत, तमाम खुशियां अनीता के कदमों में लाके डाल दे। वो बहुत जल्द बहुत रिच मैन बन जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी। जानते हो ये क्या है? कुछ भी हो मुझे इसे पहुंचाकर पैसे लेने से मतलब है नहीं, फिर भी जान लो तो अच्छा है। इस शहर की पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, मालूम काय को? क्योंकि गर्द का धंधा करने वाला इस शहर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। गर्द? ड्रग्स, बोले तो ब्राउन शुगर। देखो काम बहुत टेढ़ा है, अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो जेल का भत्ता खाना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए रंजीत साहब, जिसे पैसे की जरूरत होती है ना वो अपनी जान पर भी खिल जाता है, पर इस वक्त मुझे अपनी जान से प्यारी दौलत है। तुम जिसे यह बैग दोगे वो तुम्हें 25 लाख रुपए देगा। रुपए मिलने के बाद तुम मुझे मोबाइल पर फोन कर देना, मैं तुम्हें मिलने की जगह बता दूंगा। ठीक है। विनोद, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो और मेरे बगैर जी नहीं सकते, लेकिन लेकिन मुझे खुश करने के लिए तुम कोई गलत काम करो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। समझने की कोशिश करो अनीता, इस प्यार के सहारे हम लोग जिंदगी नहीं गुजार सकते। मोहब्बत में कामयाब होने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। सच्चे प्यार करने वाले पैसे के सहारे नहीं जीते। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे
तुम्हारे प्यार के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। विनोद, आज तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, कल नौकरी मिल जाएगी। तुम जितना भी पैसा कमा लोगे बस उसी में खुश रहूंगी। ये सब बोलने की बातें हैं अनीता, प्रैक्टिकल लाइफ जीने की कोशिश करो। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। कल रात तक मेरे पास लाखों रुपए आ जाएंगे, कल से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। अनीता, कल 9 बजे तुम मुझे यहीं पर आकर मिलो। नहीं, मैं बुराई में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और याद रखो विनोद, अगर तुमने कोई बुरा काम किया तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तुम आओगी अनीता, जरूर आओगी, मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। अनीता, कल रात ठीक 9 बजे मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर क्या हुआ, क्या वो वापस आया? हाँ हाँ, विनोद वापस आया था, एक बहुत बड़ा बैग नोटों से भरकर लेकर आया था। और वो सोचता था कि उसका अनीता देखेगा तो बहुत खुश होगा, उसे शादी करने के लिए हां बोल देगा। लेकिन क्या? वो इंतजार करता ही रहा। और अनीता नहीं आई। विनोद, रात का 3 बजने वाला है बच्चा, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगा। नहीं अंकल, वो आएगी, जरूर आएगी, वो बेवफा नहीं है अंकल। ये तुम क्या करता है?
मर गया, विनोद मर गया, अपना बिलावट का इंतजार में वो मर गया। अनीता की बेवफाई वो बर्दाश्त नहीं कर सका, जान दे दी उसने, सुसाइड कर लिया। उसका फ्यूनरल हो गया, उसकी बॉडी को जला दिया गया, लेकिन उसका आत्मा नहीं जला। उसे आज भी अनीता का इंतजार है, आज भी उसका आत्मा हमारा रेस्टोरेंट में भटकता है। साहब आपका गाड़ी ठीक हो गया, बहुत प्रॉब्लम था साहब उसमें, आप मंगते तो ट्रायल ले सकता है। ठीक है अनीता, तुम यहां रुको, मैं अभी गाड़ी का ट्रायल लेकर आता हूं। मैं भी साथ चलती हूं ना प्लीज। ओफो, मैं एक बार गाड़ी देख तो लूं कि ठीक तरह बनी ही है नहीं, अगर रास्ते में बिगड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वहां मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। आप ठीक बोलता है साहब, आपका किस्मत अच्छा था जो अपन उधर से जा रहा था और आपका गाड़ी देखकर अपन रुक गया। ओके अभी आया। अच्छा, घबराने का बात नहीं, वो आत्मा कभी किसी को कुछ नहीं करता। आप बैठो, आराम करो, हम आपके लिए अपने हाथ से बहुत बढ़िया आइटम बना के लाएगा। ओके रिलैक्स। अनीता तुम यहां रुको, मैं अभी गाड़ी का ट्रायल लेकर आता हूं। मैं भी साथ चलती हूं ना प्लीज। ओफो, मैं एक बार गाड़ी देख तो लूं कि ठीक तरह बनी ही है नहीं, अगर रास्ते में बिगड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वहां मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। आप ठीक बोलता है साहब, आपका किस्मत अच्छा था जो अपन उधर से जा रहा था और आपका गाड़ी देखकर अपन रुक गया। ओके अभी आया। अच्छा, घबराने का बात नहीं, वो आत्मा कभी किसी को कुछ नहीं करता। आप बैठो, आराम करो, हम आपके लिए अपने हाथ से बहुत बढ़िया आइटम बना के लाएगा। ओके रिलैक्स। अनीता, चेहरा बदल लिया तो क्या हुआ, तुम्हारी आत्मा तो वही है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मेरी आत्मा तुम्हें नहीं पहचान पाएगी? अनीता, तुम्हारी आत्माएं एक जैसी हैं, फर्क आया तो सिर्फ इतना, तुम्हारी आत्मा ने शरीर ओढ़ रखा है और मेरा शरीर चल चुका है। विनोद, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ?
तुम्हारी उस बेवफाई को भूल जाऊं। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? मौत? तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं विनोद। तुम ही हो। तुम्हारी बेवफाई की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने बेवफाई नहीं की। बेवफाई नहीं तो और क्या है? रोज तुम खुद तो नहीं आई गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भेज दिया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं विनोद, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी और रास्ते में मेरा सीरियस एक्सीडेंट हो गया। समझ लो कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है। मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया था, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी जिसकी वजह से आज मेरा चेहरा ही कुछ और है। झूठ बोलती हो तुम। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं पूरे 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी और होश में आते ही मैंने तुम्हारा पता करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि तुमने मेरी वजह से आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर जैसे मुझ पर बिजली ही गिर पड़ी हो। मैं तुमसे मिलने कहाँ आती? अपने वफा का सबूत देने तुमसे कहां मिलती? मैंने कई बार सोचा कि यहां पर आकर प्रगैंजा अंकल को दिल की पूरी बात बताऊं और अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इस जगह के साथ हमारे प्यार की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में प्रकाश ने मुझे सहारा दिया। आज किस्मत ने मुझे यहां पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मार डालो मुझे, खत्म कर दो मुझे। जान पाया। तुम खुश रहो और मुझे क्या चाहिए अनीता? आज मेरा इंतजार खत्म हुआ, मुझे मुक्ति मिल गई अनीता। आज के बाद मैं कभी भी कहीं नजर नहीं आऊंगा। अनीता, अरे क्या हुआ? हाँ, इतनी इतनी घबराई क्यों तुम? कुछ नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। रुको, कुछ खा तो ले। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, चलो। ओफो, तुम भी बस। अरे बच्चे लोग, क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच, अब हमें चलना चाहिए। हम बहुत अच्छा आइटम बनाया है। थोड़ा इंतजार करो अनीता। नहीं अंकल, अब इंतजार खत्म हो चुका है, अब कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा। चलो।